मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे कैथल ब्रेकिंग टीवी। जिस तरह से सिरटा रोड पर दो पॉजिटिव मामले पहले पाए गए थे, अब बात करें अप्रैल को, 4 अप्रैल को पहला पॉजिटिव मामला पाया गया था, उसके बाद 8 अप्रैल को दूसरा पॉजिटिव मामला जो है सामने पाया गया। लेकिन उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने तमाम जो सिरटा रोड की 4-5 जो गलियां हैं उसको सील कर दिया था, जिसको आज लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक वहां पर किसी तरह की रियायत नहीं दी गई कि उसको खोला जाए। जबकि उन दोनों जो मरीज़ पॉजिटिव थे वो नेगेटिव भी आएगा, उनकी जो दोबारा जांच की वो नेगेटिव आई गई है, जिसको जिनको वहाँ आदर्श मेडिकल कॉलेज से जो है छुट्टी देकर जो है अब गोला क्वारंटाइन किया हुआ है। लेकिन बता दें कि आज उनके सैंपल दोबारा से भेजे जाएंगे, एहतियात तौर पर उनके सैंपल लिए जा रहे हैं जो कि दोबारा से मेडिकल जांच के बाद भेजे गए हैं। लेकिन कुछ समस्याएं वहां से आ रही हैं, वहां के एमसी हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं सुरेंद्र पहलवान जी, वो सचिवालय पहुंचे, क्या कुछ समस्याएं वहां आ रही हैं उसको लेकर आज किन से मिले हैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुरेंद्र पहलवान है जी। किस लिए पहुँचे हैं सर आज? सर हम लगभग 1 महीने से हमारा जो एरिया है जिसमें ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया था एक मोहम्मद सभी, उसके बाद वो ऐसे कैसे लॉकडाउन है, कुछ दिन तक शुरू में कुछ दिन तक तो प्रशासन ने उसका उनको जो भी खाना वगैरह पचाना था वो पचाया, उसके बाद लगभग अब 2 हफ्ते हो गए हैं उनके पास ना तो कोई प्रशासन का आदमी पहुंच रहा है और ना ही उनको कोई खाने का ना ही उनको कोई छूट वहाँ से। अगर वो घर से निकलते हैं तो लोग ये कहते हैं वहाँ पर जो प्रशासनिक आदमी बैठा रखे हैं जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के, अब वहाँ पे सर फुल एरिए में वो सब गरीब लोग हैं, रोज़ की दिहाड़ी करके खाने वाले लोग हैं। अगर उनको मान लो या तो उनको छूट दी जाए कि वो अपने काम धामों पर जाएँ या वहाँ से बैरियर हटाएँ, ठीक है। वहाँ पे जो सुविधाएं प्रशासन द्वारा जो भेजी जा रही थी अब वो पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही? सुविधा लगभग 2 हफ्ते से नहीं पहुँच रही है सर। तो इसको लेकर आज किससे मिलने आए हैं आप? हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे सर, एसडीएम साहब से हमने यही बात करनी थी, भैया तो हमारे एरिए का जो भी है अगर आपको कोई बिठाना है पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी, आप ईदगाह के सामने बैठा दो, जो आएगा वो उससे बातचीत करेगा पूछेगा। तो मांग क्या है? मांग हमारी मांग ये है कि लगभग 1 महीना 4 दिन हो चुके हैं जिसको लॉकडाउन को हमारे एरिए को, या तो हमारा एरिया खोला जाए, वो लोगों को छूट दी जाए भाई वो काम दाम पे जाएं जैसे भी, या फिर उनका जो भी प्रावधान है उनका अगर उनको घरों में रखना है तो उनका जो भी खाने पीने का अरेंजमेंट है प्रावधान है वो सरकार करे। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। क्या समस्या आ रही है आपको? वहाँ पे यही रास्ता बंद कर रखे जी हमारे सारे। अच्छा, कोई ना राशन ना रह गया वहाँ पे और ना कुछ, वहाँ कोई सुविधा नहीं है जी वहाँ पे, 1 महीना 4-5 दिन हो गए जी ऊपर। तो क्या मांग है प्रशासन? हमारे या तो कुछ खाना पीने का इंतजाम करो जी हमारा, आज हमारा रास्ता खोले जाए, हम काम कुम पे जाएं जी, मजदूर बंदे जी हम तो। बिल्कुल, हमारे साथ महिला भी है जो पहुंची है यहाँ पर, उनसे मिलेंगे। क्या नाम है आपका? वंदना सर। क्या समस्या आ रही है आपको? सर हमारे घर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी काम पे जाते हैं, वो कहते हैं आप उस एरिया से हम नहीं लगाएंगे आपको, तो सर इसीलिए हमारा एरिया ये खोल दिया जाए, हम काम करके भी अपनी मेहनत करके खा लें भाई, अगर नहीं खोलते हैं तो भी घर में खर्चा पानी हमें दे सर, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे भूखे मर रहे हैं सर, ना हमें काम पे जाने दे, लगा रही हैं लेडीज़ हैं काम करते थे कोठियों में, और ना सर हमें भाई घर में खाना मिल रहा लगभग 15 दिनों से, तो भूखे मरने वाली नौबत आई हुई है सर हमारी, तो वहाँ भाई हम यही चाहते हैं ये एरिया खोल दें हमारा या फिर हमें भाई कोई सुविधा मिले वहाँ से। बिल्कुल, जिस तरह से सिरटा रोड जो है महादेव कॉलोनी जो है वो सील की हुई थी, लेकिन देखना ये है कि क्या प्रशासन द्वारा कुछ वहाँ पर राहत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, जो असुविधा है लोगों को देखनी पड़ रही है। लेकिन बात जहाँ हम महादेव कॉलोनी की बात करें तो वहाँ पर जो सील एरिया किया था और वहाँ के जो नगर पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो मौके पर यहाँ पर आज अपनी गुहार लेकर जो है एसडीएम मैडम और सीटीएम सर से मिलने आए हैं, ताकि जो एरिया सील है वहाँ पर या तो उसको खोला जाए या जो प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं वहाँ राशन वगैरह की दी जाती है उसको मुहैया करवाई जाए। आप देखते रहे, कैमरामैन राकेश के साथ कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।